हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं फन विद इन लर्न। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक सीक्रेट बात आपको बताना चाहूँगा। अगर आज भी हमारे आइज़क न्यूटन जिंदा होते तो कुछ बच्चों का ये ख्याल था। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद इन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, कोई भी बॉडी रेस्ट में है एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो वो करता ही रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो नहीं वो रुकेगा और ना रेस्ट बॉडी मूव करेगा। सिंपल सी भाषा में आपको समझाना चाहूँगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट मोशन में है तो वहीं पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, और अगर कोई बॉडी ट्रैवल करे यूनिफॉर्म मोशन से मोशन में है तो जब तक मोशन करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे स्टॉप या रोके ना। सीधा एग्जांपल ले सकते हैं हम ट्रेन का। अगर ट्रेन कोई भी 100 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो आप उसमें बैठे हैं तो आप भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। और यदि वो ट्रेन रुकती है, मैंने बोला कि सिर्फ ट्रेन रुकती है, बताना चाहूँगा बॉडी आपकी अभी भी ट्रैवल कर रही है, ट्रेन रुकने के बाद भी आपकी बॉडी ट्रैवल करेगी, और जो ट्रैवल कर रही होगी वो आपके स्पेस पे आप खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं उससे थोड़ी आगे आ जाएगी। तो इससे हम समझा कि आपकी जो ट्रेन था वो रुक गई बट आपकी जो बॉडी है वो ट्रैवल कर रही थी। तो इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी मोशन कह सकते हैं या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है, कोई भी फोर्स से प्रोड्यूस किया गया एक्सेलरेशन डायरेक्ट उसके प्रोपोर्शनल होता है और उसके डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास होता है। अगर कोई भी मास ज़्यादा होगा तो हमारा एक्सेलरेशन कम होगा, और वहीं पे मास हमारा कम रहता है तो हमारी जो एक्सेलरेशन रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो सिंपल सी भाषा में आपको समझाना चाहूँगा, कोई भी आप बॉक्स लीजिए 10 kg का, उसे आप फोर्स कीजिए एंड धक्का दीजिए, धक्का मारेंगे देन उस पर 20 N का फोर्स लगाइए। यदि आप उसे 20 N का फोर्स लगाते हैं जो बॉक्स आपकी चलेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चलेगी। तो ये आपका एक सिंपल सा उदाहरण था। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉज ऑफ मोशन, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही अच्छा है, यह एक्शन का रिएक्शन। आप देख सकते हैं कभी भी आप किसी को लगाते हैं चमाटा तो रिएक्शन तो आता है ना। तो बात करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका एक इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट फोर्स वो हमें भी लगता है। इसके लिए एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगा, आप देख सकते हैं किसी भी दीवार को, उस पर आप जाके फोर्स लगाइए, फोर्स लगाएंगे आप तो फोर्स लगा रहे हैं, वो भी आप पे उसी अमाउंट में जितना आपने लगाया वो भी आपको उतने जोर से धक्का देगी। एंड अदर एग्जांपल, आप रोज चलते ही होंगे, वॉक तो करते ही होंगे, जितना फोर्स अपने पैरों से आप ग्राउंड पे लगाते हैं उतना ही ग्राउंड आपके पैरों पे लगाता है। तो दोस्तों आपको मेरे इंटरेस्ट लॉ समझ आए होंगे, तो मज़े कीजिए। तो मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो। तो आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेगा, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो को देखना है तो सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा एंड बाय बाय।